हाय फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनेस एनबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आप इजीली अपने घर पर ही इनक्यूबेटर कैसे बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो मैं इसके पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन बहुत सारी लोगों की डिमांड आ रही थी कि भैया असेंबली वाली वीडियो की लिंक भेजो, असेंबली वाली वीडियो की लिंक भेजो। तो लिंक व्हाट्सअप पे देने से अच्छा पुराने नए सभी कस्टमर के लिए मैं दोस्तों फिर से वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारे हाथ में असेंबली का पैकेट है, ये पूरी कंप्लीट असेंबली आती है दोस्तों। अगर ये आपके पास है और मान लो एक कोई भी थर्मोकॉल बॉक्स आपके पास है, तो इस बॉक्स को आप पूरी तरह से इनक्यूबेटर में तब्दील कर सकते हो इस असेंबली का इस्तेमाल करके। ये दोनों चीज अगर आपके पास है दोस्तों, तो आपका परफेक्टली पूरा कंप्लीट इनक्यूबेटर बन जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हो कंप्लीट इनक्यूबेटर बन जाएगा अगर ये दोनों चीजें आपके पास है। और ये असेंबली पूरी तरह से हमारे तरफ से कंप्लीट आती है दोस्तों। आपको कोई चीज बाहर से परचेस नहीं करनी पड़ेगी, ना तो कुछ करना पड़ेगा। इसका पूरा कंप्लीट कनेक्शन वायरिंग सब यही से आता है। तो चलो इसमें क्या क्या आता है ये मैं आपको इसे ओपन करके बता दूं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो डिजिटल थर्मामीटर, इसे हाइड्रोमीटर भी कहते हैं, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर अंदर चेक करने के लिए, बिजली रहे वो समय भी और बिजली जाने के बाद भी, क्योंकि ये बैटरी से काम करता है करके आप इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चेक कर सकते हो, इसलिए डिजिटल थर्मामीटर। दो लाइट, 40-40 वाट वाले दो लाइट, बॉक्स को रंगीन बनाने के लिए और मजबूती बढ़ाने के लिए दोस्तों एक रेड कलर की 2 इंची टेप, फैन होल्डर, एलईडी लाइट, कंट्रोलर, अडाप्टर, और इन सबको असेंबल करने के लिए छोटे छोटे स्क्रू, साथ में ये टाई भी है दोस्तों। इसके अंदर आपको वायर को एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करने के लिए इसके अंदर टाई भी आती है, और साथ ही मल्टीपिन। तो दोस्तों ये पूरी तरह से कंप्लीट आती है। इसकी जो टाई लग के आई है, इसे खोलना है सिर्फ। ये देखिए आप, ये टाई को खोलना है। फैन का कवर उतारना है। फैन को, एलईडी को, सबको, दो सबकी वायरिंग यही से दोस्तों की करके आई हुई है। आपको कोई वायर किसी के साथ जोड़ना नहीं है। आपको बॉक्स के अंदर फैन लगाना है, एलईडी लगाना है, ये दो होल्डर लगाना है दोस्तों। सबकी वायरिंग ज्यादा थोड़ी बड़ी बड़ी आएगी। साथ ही आप बॉक्स में कहीं भी ऊपर की साइड में कंट्रोलर लगा सकते हो। ये देखिए दोस्तों कंट्रोलर, आपको इसकी भी पूरी वायरिंग यही से करके आई हुई है। आपको क्या करना है, आपको मात्र सिर्फ ये छोटी पिन मल्टीप्लग में लगाना है, अडाप्टर मल्टीप्लग में इसे प्लगिंग करना है, आपका इनक्यूबेटर रेडी हो जाएगा। मैं आपको इस असेंबली की ट्रायल बताता हूँ दोस्तों। ये मैंने 60 वाट की बल्ब लगा दी है, और ये मैं होल्डर और छोटी पिन प्लगिंग कर रहा हूँ। ये मैंने प्लगिंग कर दी है दोस्तों। ये देखिए, मैंने बोला कि ये पूरी कंप्लीट आती है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सेंसर लाइट के पास लेके जाना है दोस्तों। जैसे ही आपके इंक्यूबेटर के अंदर सेंसर को हिट मिलेगी, वो अपना काम कर, आपको ना तो सेटिंग करना है ना तो वायरिंग करना है दोस्तों, सब यही से करके आया हुआ है। आप देखिए, ये देखिए टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। फिलहाल मैं सेंसर लाइट के पास लेके गया हूँ दोस्तों, करके थोड़ा स्पीडली बढ़ रहा है। इंक्यूबेटर में थोड़ा स्लोली स्लोली बढ़ता है। नहीं, बहुत सारा कमेंट आया था इस वीडियो की, ज्यादा लिंक मांग रहे, तो दोस्तों करके स्पेशल नया वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। ये देखिए 37.7 पे लाइट ऑफ ऑफ हो गई है,
और जैसे ही मैं इसे फैन के पास लेके जाऊंगा तो ये वापस से टेम्परेचर कम होगा और लाइट ऑन हो जाएगी। आप देख सकते हो लाइट बंद भी अपने आप हुई, ऑन भी अपने आप हुई। ये कंप्लीट असेंबली है दोस्तों, सिर्फ आपको इसे बॉक्स के अंदर लगाना है। तो इसे पूरी तरह से आप कोई भी पुराने बॉक्स में असेंबल कैसे कर सकते हो ये बताने के लिए दोस्तों मैं मेरी पुरानी वाली वीडियो इस वीडियो के साथ जोड़ रहा हूं। आप उसे कंटिन्यू शुरू से लेकर अंत तक देखना, उसमें थोड़ा स्पेयर पार्ट का थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ये अडेप्टर की जगह उसमें दूसरा अडेप्टर बताया हुआ है। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस असेंबली को परचेस करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारी नंबर दी हुई है और टाइटल में भी हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमसे हमें कॉल कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना जब भी आप कॉल करोगे तो कॉल करने का समय दोस्तों सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, इस समय ही आप कॉल करें और हो सके तो शॉर्टकट में बात करें। हम ऑल इंडिया कहीं भी होम डिलीवरी करवाते हैं, लेकिन हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, करके हम पेमेंट दोस्तों पहले बैंक अकाउंट में लेंगे, उसके बाद आपका कुरियर यहाँ से निकलेगा। मैं महाराष्ट्र अमरावती से नितिन, आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। आप इस असेंबली को ऐसे नए बॉक्स में भी फिट कर सकते हो, लेकिन थर्माकोल का 20 के डेंसी का इतना अच्छा बॉक्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। फ्रेज बॉक्स तो मिलना ही नहीं है, हम ही कंपनी से स्पेशली ऑर्डर लेके मंगाते हैं। तो आप ऐसे गट्ठे का बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो इनक्यूबेटर बनाने के लिए, या फिर मच्छी मार्केट में जो वेस्टेज बॉक्स होती है थर्माकोल की, ये ऐसी ये आपको आसानी से मच्छी मार्केट में 50 या 100 रुपये में मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा इसमें असेंबली फिट होता है, करके मैं आज आपको इसी में असेंबली कैसे फिट करते हैं ये बताऊंगा। अगर आपका बॉक्स 1.5x2 फिट के ऊपर है तो असेंबली आपको सेंटर में लगाना पड़ेगा, और अगर आपका बॉक्स 1x1.5 यानी छोटा है, आप 20, 30, 40 अंडों का इनक्यूबेटर बना रहे हो, तो ऐसे एक साइड में दोनों तरफ होल्डर, बीच में फैन, ऐसा आपको फिट करना है, और सेंसर आपको उसकी क्रॉस दिशा में यानी विरुद्ध दिशा में रखना है। एलईडी लाइट आप कहीं भी लगा सकते हो, आपको इस कारण छोटा बनाना है। और अगर बड़ा बनाना चाहते हो, जैसा कि ये बॉक्स है 1.5x2 के ऊपर, तो ये देखिए बीच में हमने होल्डर फिट करना है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं हम होल्डर स्क्रू से फिट कर रहे हैं, स्क्रू भी असेंबली के साथ ही आए थे। दोनों होल्डर फिट हो जाने के बाद आपको इन दोनों के बीच में फैन फिट करना है, लेकिन फैन का जो स्टिकर है दोस्तों वो ऊपर की साइड में होना चाहिए, जिधर स्टिकर है वो उधर ही हवा फेंकता है। और अगर आप फैन पूरी तरह से थर्माकोल को चिपका दोगे तो वो हवा कहाँ से खींचेगा। इसीलिए दोस्तों आप फैन और थर्माकोल के बीच और कोई चीज़, जैसे हम अभी थर्माकोल के छोटे छोटे टुकड़े लगा रहे हैं, उससे यह गैप बन जाती है, इस गैप से फैन हवा खींचता है और बाहर ज़्यादा फेंकता है। आप ये जो गम गन आती है दोस्तों, ग्लू गन, इसका प्रयोग करके होल्डर की फैन की मजबूती बढ़ा सकते हो, और यह एलईडी लाइट आप पूरे बॉक्स में कहीं भी लगा सकते हो। जिस वक्त आपका बड़ा लाइट बंद होता है उस टाइम अंदर रोशनी के लिए आप एलईडी लाइट लगा सकते हो। और इस साइड आप ऐसा कोई भी कांच का ग्लास, यह कांच है दोस्तों, इसे ग्लास भी कहा जाता है, यह आप फिट कर सकते हो अंदर का नज़ारा देखने के लिए, या फिर आप छेद में से भी देख सकते हो। अब हम बची हुई वायर और कंट्रोलर की फिटिंग करेंगे। ये देखिए बची हुई वायर हमने लॉक पट्टी से पैक कर दी है, और अब कंट्रोलर हम इस तरह से यहाँ पे ऊपर की साइड लगा देंगे, और उसकी जो सेंसर है दोस्तों वो सेंसर छेद गिरा के नीचे अंदर डाल देंगे। ये देखिए अभी छेद हो रहा है, ये देखिए सेंसर हमने छेद में से नीचे डाल दिया, और सेंसर जो है पूरी तरह से अंडों के पास बीच में लटक रहा है। लॉक पट्टी से हमने इसे भी पैक कर दिया है, और यहाँ पे लॉक बेल्ट मार के इसे भी पैक कर दिया। आप आसानी से वायर से ही पूरे ढक्कन को उठा सकते हो, और कंट्रोलर को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए हम स्क्रू भी लगा दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा इनक्यूबेटर पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम सिर्फ इनक्यूबेटर के अंदर छेद करना बाकी है। हाँ, इस जो इनक्यूबेटर जो है इस बॉक्स में हमें कम से कम 1.5x2 की बॉक्स है करके हमें 6 छेद करना है दोस्तों, आधा इंची के, लेकिन उसके पहले हम एक बार इसे ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए यह प्लग में लगने वाली पिन वो इधर से ही लग के आया है। अब सिर्फ हम इसके अंदर लाइट फंसा रहे हैं। हमारा लाइट लगा के हो चुका है दोस्तों। यह 60 वैट का 100 वैट का बल्ब आप कोई भी लगा सकते हो। ये हो गया ऑन इनक्यूबेटर। सेटिंग पूरी तरह से कंप्लीट होने के कारण लाइट भी जल रहा है, फैन भी जल रहा है, एलईडी भी जल रही है। ये देखिए दोस्तों
अभी फिलहाल हमने इसके अंदर टेम्परेचर 37.7 सेट करके आया हुआ है कंप्लीट। कुछ हाथ लगाने का सेटिंग करने का कोनो ज़रूरत नहीं है। ये जो आप अभी देख रहे हैं दोस्तों 32.7, यह फिलहाल अभी अंदर का टेम्परेचर है। यह लाइट की वजह से बढ़ते जा रहा है। 34.9 हो चुका है, 35 भी हो चुका है, 36.89, 37.15, 36, जैसे ही 7 हो गया लाइट अंदर की बंद हो चुकी है दोस्तों। अभी बॉक्स को छेद न होने के कारण दोस्तों अंदर का टेम्परेचर फिलहाल 38+ चले गया है, क्योंकि हमने बॉक्स को किसी तरह से कोई छेद नहीं किया है। जैसे अब हम बॉक्स खोलेंगे आप देख सकते हैं ग्रीन वाली LED लाइट चल रहा है, फ़ैन चल रहा है। अब बॉक्स का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा और ये देखिए दोस्तों 37.6 पे टेम्परेचर आ गया है बॉक्स खोलते से ही। जैसे ही ये 37.3 पे आ जाएगा लाइट अपने आप और स्टार्ट हो जाएगी। यह सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। बस आपको इसके अंदर पानी रखना है, अंडे रखना है, आपका इनक्यूबेटर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि इनक्यूबेटर का रेट बहुत ज़्यादा होता है, भैया जी हम इसे परचेस नहीं कर सकते। तो आप लोग इजीली अपने घर पे इनक्यूबेटर बना सकते हो इस असेंबली के माध्यम से। असेंबली से इनक्यूबेटर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने अभी वीडियो में देख लिया। अगर आपको भी असेंबली खरीद के इनक्यूबेटर बनाना है तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है और टाइटल में भी, आप हमें फ़ोन लगा के असेंबली परचेस कर सकते हो। आपके यहाँ पे असेंबली पहुँच जाने के बाद आप जो भी इनक्यूबेटर बनाएंगे उसकी तस्वीरें हम देखते हैं, अगर उसे कोई मिस्टेक है तो उसे हम रिपेयर करेंगे। आपके अंडों में से चूजे निकालने का गारंटी हमारा।